नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में पुरस्कार जीतने से मशहूर हुई भारतीय डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के नायक हाथी के बच्चे को देखने के लिए भारी तादाद में मुदुमलय थिप्पकाडु एलिफेंट कैंप में पर्यटकों की आवाजाही हो रही है। पुरस्कार के लिए द एलिफेंट विस्पर्स का मुकाबला हॉल आउट, हाउ डू यू मेजर अ ईयर, द मार्था मिशेल इफेक्ट और स्ट्रेंजर एट द गेट फिल्म से हुई थी। इस फिल्म की पटकथा एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जिसने तमिलनाडु के मुदुमलय टाइगर रिजर्व में हाथी के दो अनाथ बच्चों को गोद लिया है। तमिल डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक कार्तिकी गोंसाल्वेस तथा निर्माता गुनीत मोंगा ने 95वें एकेडमी अवार्ड समारोह में पुरस्कार ग्रहण किया। अपनी स्पीच में कार्तिकी गोंसाल्वेस ने कहा कि मैं आज यहां हमारे और हमारी प्राकृतिक दुनिया के बीच पवित्र बंधन पर बोलने के लिए खड़ी हूं। मूलनिवासी समुदायों के सम्मान के लिए, उन सभी अन्य जीवित प्राणियों के लिए जिनके साथ हम अपनी जमीन साझा करते हैं, और सह अस्तित्व के लिए मूल निवासियों और जानवरों के जीवन को सामने लाने वाली हमारी फिल्म को पहचान देने के लिए एकेडमी को धन्यवाद। हमारी फिल्म की ताकत में भरोसा करने के लिए नेटफ्लिक्स का भी शुक्रिया, मेरी निर्माता गुनित और मेरी पूरी टीम को, और अंत में मेरे माता पिता और बहन को जो वहाँ ऊपर कहीं है। आप सभी मेरी समूची दुनिया हो। मेरी मातृभूमि भारत के लिए गुनीता मोंगा के लिए ऑस्कर जीतने का ये पहला मौका नहीं है। साल 2019 में भी गुनीत मोंगा की डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में पुरस्कार मिला था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।